हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह, आप लोगों का एमपीपीएससी मेंस 2019 एंड 20 के कोर्स ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी मतलब कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के इस कोर्स में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। तो हम लोग यहाँ पर पार्ट वाइज करने जा रहे हैं एमपीपीएससी मेंस। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, इसका हम लोग ओवरव्यू देखेंगे, पेपर्स कैसे हैं, सिलेबस कैसा है और कैसा हम लोग इसकी आगे तैयारी करने वाले हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी की, इसके बारे में देखेंगे। प्लस यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी कर रहे थे मेंस की, वो एज इट इज़ चलती रहेगी। मैं कुछ दिन का ब्रेक ले लिया था बीच में, बट डोंट वरी, मैं ऐसे ही आपके कोर्सेज आगे चलाती रहूँगी। जैसे ये एमपीपीएससी का शुरू किया है, वैसे यूपी का भी हम जल्द ही एज इट इज़ कॉन्टीन्यूसिटी में चलते रहेंगे अपना। तो ये देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, प्लस ये मेंस में तो होता ही होता है, प्री में भी बहुत ही वेटेज रखता है एनवायरनमेंट इकोलॉजी। तो हम लोग ऐसे डिटेल में मेंस की तैयारी करेंगे कि हमारा प्री भी साथ के साथ कवर होता जाए। तो इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। और एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जब मैं ये पेपर कराऊंगी, तो आपको जैसे एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद, जैसे अगर हम पर्यावरण या परिस्थितिकी क्या होती है इसके बारे में पूरा अगर डिटेल में कर लेते हैं, तो उसके बाद लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं वो भी सॉल्व करेंगे, प्लस इससे कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं ये भी हम उस पर करेंगे, और 3 मार्कर, 6 मार्कर, 15 मार्कर जितना भी होगा हम सब अच्छे से सॉल्व भी करेंगे उसको। तो यहाँ ये पूरा ओवरऑल ये टॉपिक कंप्लीट होगा, और मैं कोशिश करूँगी 10 से 15 दिन में ये पूरा टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा दूँ। पूरी मेरी ये कोशिश रहेगी। और ये जो कोर्स है एनवायरनमेंट इकोलॉजी, तो इसमें करंट अफेयर्स का मेजर रोल होता है। तो करंट अफेयर्स हम लोग साथ के साथ इसमें देखते जाएंगे कि हम लोग कौन से आंसर में कौन सा करंट इस समय डाल सकते हैं, जिससे हमारे मार्क्स बढ़ने के चांसेस और रहें। क्योंकि अभी कुछ टाइम के लिए ना प्री होने वाला है, ना मेंस होने वाला है, ना 2019 का ना 20 का, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, कुछ टाइम के लिए रोक दिया है ये सब चीज़ें। इस पेंडेमिक से उभरने के बाद ही ये सब चीज़ें ओवर थ्रू होंगी, गो थ्रू होंगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी से हम मेंस की तैयारी शुरू करते हैं, तो ये प्री की तैयारी हमारे पास ऑलरेडी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग को किस स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे तैयारी इसकी करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये 2019 का सिलेबस है। तो सबसे पहले इसमें आया है पर्यावरण और धारणीय विकास, ये क्या होता है, इसमें इस मतलब पूरा ओवरऑल टॉपिक जो है हम इस पे बात करेंगे, पर्यावरण और धारणीय विकास पे। फिर हम इसमें देखेंगे पर्यावरण क्षरण, इसके कारण, प्रभाव और निदान क्या क्या होते हैं ये देखेंगे। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण की विधियाँ, नीतियाँ और नियामक ढांचे के बारे में बात करेंगे। तो ये सारा जो है ये करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यावरण एवं विकास पर चर्चा, इसी के अंदर हमारा टॉपिक आएगा ठोस, तरल और अपशिष्ट, जल मल, हानिकारक चिकित्सा अपशिष्ट, ई वेस्ट प्रबंधन आदि। तो ई वेस्ट पे बहुत ज़्यादा करंट इस समय चल रहा है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण निदानात्मक उपाय क्या क्या हो सकते हैं, और लास्ट इसका टॉपिक होगा पर्यावरणीय छाप और इससे निपटने की रणनीतियाँ। तो ये जितने भी टॉपिक इसमें दिखाए जा रहे हैं सब हम लोग 10 से 15 दिन में यहाँ कवर करने की। तो ये जो मैंने सिलेबस बताया ये 2019 का सिलेबस है, ये 2019 का है। अब हम 20 का देख लेते हैं, तो 20 में क्या चेंजेस आए हैं सिलेबस में। तो ये इसमें यूनिट 9 है, ये जो 2020 का सिलेबस है इसके अंदर यूनिट 9 होती है ये, और इसमें है पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र और आयाम। इसमें भौतिक पर्यावरण, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक आदि। इसमें भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा ये दी हुई है। फिर मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण से संबंधित नैतिक मूल्य और जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण परिवर्तन। नेक्स्ट पर्यावरण से संबंधित समस्याएं और चुनौतियां, पर्यावरण क्षरण के कारण और प्रभाव। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें पर्यावरण शिक्षा, ये थोड़ा सा नया टॉपिक इसमें 19 से 20 में चेंज किया गया है, तो इसको भी हम साथ में करेंगे, क्योंकि 19 वाले भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो 19 में देंगे मेंस, और 20 वाले भी काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। तो हम दोनों को कंबाइंड लेके चलेंगे कि ना 19 को लॉस हो ना 20 को लॉस हो, जो कॉमन टॉपिक होंगे वो हम करेंगे। तो ये वाला टॉपिक भी हम लास्ट में देखेंगे क्या होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अनुकूलन प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान,
पर्यावरण संरक्षण नीति और नियामक ढांचा, ये पूरा ऑलमोस्ट 19 का सेम है, ये वाला टॉपिक जो है ये पूरा 19 का पूरा सेम टॉपिक दिया हुआ है ये पूरा। तो हम लोग इसमें ऐसी इसको पूरा प्रॉपर अच्छे से वे में करेंगे। तो अब ये दोनों जो है इसको कंपैरिजन आपने देख लिया कि क्या चेंजेस है 19 और 20 के इस टॉपिक्स में। अब हम देखेंगे कि पेपर्स कैसे आए हुए हैं, जैसे कि लास्ट ईयर्स के जो पेपर हैं वो आए हुए हैं, तो वो हम लोग अच्छे से इसमें देख लेते हैं। तो तीन मार्कर में आप लोग जैसे देख रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आया है लाइकेन का, लाइकेन पूछा गया क्या होता है 3 मार्कर में। नेक्स्ट पूछा है अम्ल वर्षा, 2014 में पूछा है क्या होता है। फिर प्रदूषण से संबंधित यूरो मार्क, अब क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। अब यूरो मार्क ये थोड़ा करंट का है, तो इसलिए ये पूछा गया 2014 में ही। फिर चिकित्सा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ये पूछा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें मौसम में बदलाव के बारे में, ये भी 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट ओजोन होल के बारे में पूछा गया, तो ये पूछा गया 2016 में। और कार्बन फुटप्रिंट के बारे में 2014 में पूछा गया। तो ये आप पूरा जो देख रहे हैं यहाँ से लेके पूरा ये टॉपिक जो है, ये सारे टॉपिक ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं। तो हमें करंट अफेयर्स पे मतलब एनवायरमेंट इकोलॉजी में तो इस पर मेन फोकस करना ही पड़ेगा, तो ये मेन हमारा टॉपिक होगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछा। तो 6 मार्कर में मैं आपको क्वेश्चन यहाँ बता देती हूँ क्या पूछा गया है। तो 6 मार्कर में जो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, ये पूछा गया है 2016 में संभाव्यतावाद क्या होता है, संभाव्यतावाद के बारे में बताइए, संभाव्यतावाद पर टिप्पणी लिखिए। ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है 6 मार्कर में, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट 6 मार्कर में एक क्वेश्चन पूछा गया, नंबर 2 यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि पर्यावरण नियमों की आवश्यकता क्यों होती है, पर्यावरण नियमों की आवश्यकता ये बताइए क्यों होती है। तो इसके बारे में हमें बताना होगा, मतलब ये प्रॉपर क्वेश्चन पूछा गया। साथ में इसके पूछा गया है, इसके साथ ही में एक क्वेश्चन है कि पर्यावरण नियमों को बनाने में तथा उनको लागू करने में आने वाली यहाँ पर समस्या के बारे में हमें बताना है कि समस्या क्या आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर में। एक नेक्स्ट हम 3rd क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पूछा है क्वेश्चन कि पर्यावरण संरक्षण में भारत के प्रयासों के बारे में बताइए। तो भारत के प्रयास के बारे में हमें बताना होगा यहाँ, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भारत ने प्रयास क्या क्या किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया नेक्स्ट है वो 15 मार्कर में पूछा गया, तो हम इसमें बता देते हैं। तो क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण में धारणीय विकास के बारे में बताना है, धारणीय विकास के बारे में यहाँ बताने में। राइटिंग थोड़ी सी नहीं सही आ रही है क्योंकि फ्लो नहीं बन पा रहा कोई नहीं, लेकिन मैं आपको बताती जा रही हूँ, तो इससे आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है कि हमें जो धारणीय विकास है इसके बारे में भी प्रॉपर हमें काम यहाँ करना पड़ेगा, धारणीय विकास क्या होता है इसके बारे में भी देखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे जो एक 15 मार्कर में और क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं 15 मार्कर में क्या क्या पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन 15 मार्कर में पहले आ चुका है कि ई अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो ये आपको लिखना है, मतलब सिंपल यही बोल दिया है कि ई अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में टिप्पणी लिखी। अब इसको 15 मार्कर में आपको क्या लिखोगे, तो ये हम पूरा जब हम ये पेपर करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें हम और क्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम सेकेंड इसमें 15 मार्कर में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि ई वेस्ट प्रबंधन पर संक्षिप्त लेख लिखिए। मतलब सेम यही क्वेश्चन जो ऊपर वाला है, यही क्वेश्चन रिपीट यहाँ कर दिया गया है। अब एक तीसरा क्वेश्चन एक और पूछा गया है, मतलब कि ये क्वेश्चन लगातार 2000 ये आया था जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ई अपशिष्ट प्रबंधन, ये आया है 2015 में, सॉरी 17 में। इसके बाद इसका लेख लिखने को आया है 2016 में, और इसके बाद 15 में लिखने को आया है ई अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। हमें ई अपशिष्ट प्रबंधन
क्या होता है ये इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो सेम यही क्वेश्चन 15 में भी, 16 में भी और 17 में भी एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और भी क्वेश्चन बहुत सारे आए, जैसे कि एक क्वेश्चन आया कि हरित इमारतों से क्या तात्पर्य है, हरित इमारतों से तात्पर्य बताइए, तो ये क्वेश्चन एक आया हुआ है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है, अगर सेकंड की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण और उपाय बताइए, जलवायु परिवर्तन के कारण और उपाय हमें बताने यहाँ पे, तो इसके बारे में पूरा इसमें डिटेल में करेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है जो कि 300 नंबर में पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग हेतु भारतीय अनुक्रिया के बारे में बताइए, तो यहाँ भारतीय अनुक्रिया बतानी है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं, इन सब क्वेश्चनों से आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं, तो आप हम इसी हिसाब से प्रॉपर वे में तैयारी यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो टॉपिक शुरू करेंगे, मैं उसको आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि हम लोग कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक करेंगे, और आपको अगर कोई फीडबैक अपना देना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए कि हम और किस तरीके से इनोवेटिव वे में कर सकते हैं। प्लस मैं इसमें करंट अफेयर ज़रूर इंक्लूड करूँगी, क्योंकि बिना करंट अफेयर के हमारे क्वेश्चंस के आंसर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, स्पेशली इकोनॉमिक के पोर्शन, इसमें इकोलॉजी के पोर्शन में। तो चलिए सबसे पहले मैं आज का टॉपिक बता दें, बस एक मैं पार्ट बता शुरू करते हैं हम लोग कि हम लोग कैसे कैसे करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे यहाँ पारिस्थिति क्या होती है, पारिस्थितिकी क्या होती है, इसके बारे में हम पूरा टॉपिक इसको चर्चा करेंगे। पारिस्थितिक मतलब कि यहाँ पर इकोलॉजी की हम लोग बात करें, इकोलॉजी क्या होती है, प्लस इसके साथ हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं पारिस्थितिक की तो हमें पर्यावरण भी पता होना चाहिए, इसके कंपोनेंट भी पता होने चाहिए, इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, तो सब कुछ पता होगा तभी हम ओवरऑल अपना आंसर दे पाएंगे, क्योंकि दो तीन आंसर जो है कंबाइंड करके क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो अगर हम पर्यावरण की यहाँ बात करते हैं तो पर्यावरण जो शब्द है वो फ्रेंच शब्द, फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरनर से निकला हुआ है, ये है इसकी स्पेलिंग, आप देख सकते हो, मैं दोबारा से इसे लिख देती हूँ यहाँ पर, ई एन वी आई आर ओ डबल एन ई आर, तो इस शब्द से निकला है फ्रेंच भाषा के शब्द पर्यावरण, जैसे एनवायरनर, और इसका अर्थ होता है घिरा हुआ या फिर घेरना, घेरना, ये इसका अर्थ होता है घिरा हुआ या फिर घेरना। तो इस मतलब क्या होता है कि पर्यावरण जो एक शाब्दिक अर्थ है जिसका मतलब होता है कि इसके आसपास मानव जंतु जो भी हैं इसके वृद्धि और विकास को, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो बाहरी कारक होते हैं इसको पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कब हुआ था आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, 1986 ये हुआ था। तो इसकी एक परिभाषा आई थी, तो एक एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा गया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम लोगों को कैसे लिखना है, तो हम लोग एक आइडियल परिभाषा लर्न करके रखते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन पर्यावरण के ऊपर आए तो ये परिभाषा हम लोगों को देनी ही होगी। तो इसके अनुसार मैं आपको बता देती हूँ कि पर्यावरण जो होता है वो किसी जीव के चारों ओर, ये जीव है मान लो कोई यहाँ बीच में, इसके चारों ओर जो घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और ये जो जीव है उनके साथ कैसे अंतःक्रिया करता है, तो इसे कहा जाता है पर्यावरण। मैं नॉर्मल आपको बता देती हूँ ये लैंग्वेज में कि आपको ऐसे ही लिखना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके आसपास उनके साथ अंतःक्रिया
को सम्मिलित करता है, इसे कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा। तो आप ये यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आज आपको पर्यावरण की डेफिनेशन दी है, कल से मैं प्रॉपर इसका एक एक पार्ट की हम लोग कंपोनेंट क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम इसे आगे सीक्वेंस में करेंगे वो हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और भी मेरे चैनल पे बहुत सारे आपके काम की वीडियो हैं तो उसको ज़रूर देखें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।